बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो मैं जो है अभी बेटे के लिए शीर खोरमा बना रही हूँ। ये मैंने दूध उबालने के लिए रख लिया है, तकरीबन 1 लीटर दूध है। इसको मैं बॉईल कर रही हूँ, इसको फिर मैं साइड पर रखूँगी और बाकी काम फिर इसके साथ करूँगी। ये जो है अभी इसमें बॉईल अभी नहीं आया है, बॉईल आ जाए। फुल फैट दूध है अलमराई का, 1 लीटर। तो चलिए इसको रखते हैं बॉईल होने के लिए। तो बस इसमें जो है बॉईल तकरीबन आ गया है और मैं इसको साइड पे रखती हूँ। यहाँ पे घी ले लें 1 पैन में, और इसमें पिस्ता बादाम और किशमिश थोड़ा ले लें, थोड़ा थोड़ा सोते कर लें इसको। अभी मैं इसमें डालती हूँ सोया, हाफ पैकेट सोया है, मछली का भी डालते हैं। पैन में थोड़ा सा घी ले लें, उसमें किशमिश बादाम और किशमिश बादाम और पिस्ता क्रश करके उसमें थोड़ा सा सौते कर लें। अब इसमें हम सेवई डालते हैं। ये देखिए मैंने इसमें सेवई डाल ली। अब जो है इसको थोड़ा सा सौते करें, थोड़ी देर के लिए इसको पकाने का। सारी ये जो सेवैयाँ हैं और ये सब जो मैंने पिस्ता बादाम इसमें डाल रही हूँ मैं। अब इतनी थिकनेस काफ़ी है, अब मैं इसमें जो है कंडेंस मिल्क डाल रही हूँ, जितना भी आप लोगों को डालना है। इसमें पहले भी डाल चुकी हूँ, ज़रा देखती हूँ मेरे ख्याल में ये शुगर ये स्वीटनेस काफ़ी होगी, मैं चेक करती हूँ। तकरीबन हाफ कैन था ये, मैं इसमें डाल रही हूँ सारा, इसलिए स्वीट नहीं था। तो अब वो सारा पिस्ता बादाम और वो जो सेवैयाँ थी वो मैंने इस दूध में डाल ली हैं, जो पहले से दूध मैंने बॉईल करके रखा था। थोड़ी देर के लिए इसको ज़रा थिक होने के लिए रखते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने जाएगा, थोड़ी देर के लिए इसको हम छोड़ते हैं। अब इसे डिश में निकाल लें, मैंने भी ऐसी ये डिश शीशे वाली खूबसूरत से डिश में निकाल लें। अच्छा, अब इसको अगर आपने गरम खाना है तो गरम खाएं, या फिर फ्रिज में रखना है ठंडा हो के तो इसको चिल करके खाएं। तो मुझे तो खैर ठंडा अच्छा लगता है, तो मैं इसको फ्रिज में रखती हूँ और बाद में आपको इसको डिश में निकाल के दिखाती हूँ। लिए हैं तो खजूर से आप इसे गार्निश करें, पिस्ता बादाम भी अगर हो सकता है वो तो मैंने अंदर डाल चुकी हूँ, मैं इसे खजूर से गार्निश कर रही हूँ। मज़ेदार शीर कोरमा तैयार है, बनाइए अपने बच्चों को खिलाइए, हेल्दी भी है और मज़ेदार। मज़ेदार शीर कोरमा रेडी है और ज़रूर बनाइएगा, और इसे गरम खाएं खाना चाहें या फिर छिल करके खाएं, आप लोग की मर्ज़ी है। तो आप लोगों से चाहती हूँ इजाज़त, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें और दुआ मेरा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।